बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री आशुतोष भगवान की जय। सन 1828 की एक सच्ची घटना है। जब लिवरपूल में एक औद्योगिक जहाज कनाडा की ओर जा रहा था, उस जहाज के कैप्टन का नाम था क्लार्क। उसी जहाज में एक उनका मित्र था जिसका नाम था ब्रूस। ब्रूस आकर कैप्टन को कहता है कि कैप्टन, आपके कैबिन में मैंने किसी अजनबी व्यक्ति को देखा है जो कि कुछ लिख रहा था। कैप्टन उसी समय अपने कैबिन में जाता है तो देखता है कि वहां कोई नहीं है, केवल मात्र एक स्लेट पड़ी है जिस पर लिखा हुआ है कि जहाज को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लेकर चलो। कैप्टन उसी समय संदेह भरी दृष्टि से ब्रूस की ओर देखता है और कहता है, ये कैसा मजाक है। ब्रूस आगे से कहता है कि कैप्टन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहता हूं, आपके कैबिन में मैंने एक व्यक्ति को देखा था। तो कैप्टन, जितने भी जहाज में लोग सवार थे सबकी हैंडराइटिंग लेते हैं, स्लेट पर लिखे हुए शब्दों के साथ मैच करते हैं, लेकिन किसी की भी राइटिंग स्लेट पर लिखे हुए शब्दों के साथ मैच नहीं करते। तो कैप्टन ये निर्णय लेते हैं कि जहाज को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लेकर जाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। 3 घंटे यात्रा के पश्चात जहाज एक हिमखंड के पास पहुंचता है तो सामने देखते हैं कि एक जहाज डूब रहा है जो कि बहुत तेजी से बर्फ में जमता जा रहा है। उस जहाज में सवार लोगों को बचाने के लिए कैप्टन 3 कश्तियां भेजते हैं। एक एक करके जिसमें तीसरी कश्ती वापस आई लोगों को लेकर, तो उसमें से एक व्यक्ति को देखकर ब्रूस चिल्ला उठा, कहता है कि कैप्टन, ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने आपके कैबिन में देखा था। तो कैप्टन उस व्यक्ति की राइटिंग को लेकर स्लेट पर लिखे हुए शब्दों के साथ जब मैच करते हैं तो वो बिल्कुल मिल जाती है। कैप्टन उस व्यक्ति को पूछते हैं, क्या कुछ घंटे पहले आप हमारे जहाज में आए थे। वो कहता, नहीं, तब तो मैं सो रहा था। जब मुझे पता चला कि हमारा जहाज डूब रहा है तो मैंने साथ वाले लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने सपने में एक जहाज को अपनी ओर आते हुए देखा है, मुझे विश्वास है कि वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। देखिए, एक साधारण व्यक्ति की आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाकर संदेश दे आती है। ऐसी घटना एक नहीं, हमारे इतिहास में अनेकों ही घटनाएं हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक महिला बताती है कि उसने सपने में देखा कि उसका भाई युद्ध करते हुए कुछ महीनों तक एक खंडर में छिपा रहा और जब खंडर से बाहर आया तो सीधा घर आ गया, और जिसमें वो दूसरे दिन सच में घर आ गया और अपने परिवार में बैठा उसने बातें बताई कि युद्ध करते हुए वो ऐसे खंडर में कुछ महीनों तक छिपा रहा। जब उसकी बहन ने सारी बातों को सुना तो वो सारी बातें उसके सपने के साथ बिल्कुल मैच कर गई। इसे अंग्रेजी भाषा में टेलीपैथी कहते हैं। टेली यानी दूर, पैथी यानी भावना, अर्थात दूर से भावनाओं का पहुंच जाना। टेलीपैथी के माध्यम से आप अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, यहां तक कि अपने मानसिक चित्रण भी संप्रेषित कर सकते हैं। इन सब का केंद्र होता है हमारा मन। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे साथ या हमारे आसपास घटित होती है लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। जैसे जब एक बच्चा किसी समस्या में होता है तो उसकी पीड़ा से जब वो रोता है तो सबसे पहले उसके दुख का एहसास उसकी माँ को होता है, चाहे वो उससे कितनी भी दूर क्यों ना हो। दूसरी बात, जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, या तो उस व्यक्ति का उसी समय हमें फोन आ जाएगा
या वो मिलने के लिए हमारे द्वार के ऊपर आन खड़ा होगा। जब ऐसा घटित होता है तो अक्सरा हम मुस्कुरा के कहते हैं आपकी आयु बहुत लंबी है। अभी आपको याद ही कर रहे थे, आप मिलने आ गए या आपका फोन आ गया। टेलीपैथी का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के मन को पढ़ें। इसके द्वारा आप किसी को संदेश भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। टेलीपैथी से ऊपर भी एक पैथी होती है जिसे आध्यात्मिक पैथी या आत्मिक पैथी कहते हैं। इसमें संदेश भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। इस आध्यात्मिक पैथी का प्रयोग रामायण में किया गया, जिसमें राक्षस रावण द्वारा माता सीता का अपहरण होता है। तो ये बात जिस समय भरत जी को पता चलती है तो भरत जी श्री राम को संदेश भेजते हैं, क्या आपकी सहायता के लिए मैं सेना भेजूं? श्री राम उसे मना कर देते हैं। भरत जी द्वारा विशेष समय में ध्यान किया गया और उसी ध्यान की पद्धति के द्वारा श्री राम को संदेश भेजा गया। श्री गुरु अमरदास महाराज जी उनके शिष्य हुए हैं भाई जेठा जी, जो कि बाद में श्री गुरु रामदास महाराज जी कहलाए। वो गुरु आज्ञा के अनुसार अकबर को मिलकर लाहौर होते हुए वापस गुरु दरबार आ रहे हैं। रास्ते में चूना मंडी बाजार में एक दुकान के ऊपर मखमली कपड़ा लटका हुआ देखते हैं और उनके मन में विचार आता है, काश इस कपड़े को मैं खरीदूं और चोला बनवाऊं, जब गुरु महाराज जी इस चोले को पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। ये भाव इतने प्रेम पगा थे, इतने प्रबल थे। दूसरी ओर श्री गुरु अमरदास महाराज जी दरबार में उपस्थित हैं, अचानक अपनी दोनों बाजुएं ऊपर करके ऐसा अभिनय करना शुरू कर देते हैं कि जैसे वो चोला पहन रहे हों। पास खड़ा सेवादार पूछता है, गुरुदेव ऐसा अभिनय क्यों, ऐसी लीला क्यों? श्री गुरु अमरदास महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, भाई जेठा जी चूना मंडी बाजार में एक दुकान के ऊपर खड़े होकर प्रेम भावों से हमें चोला पहना रहे हैं और हम उसके प्रेम भावों को स्वीकार करते हुए उस चोले को पहन रहे हैं। गुरु प्रिय साधको, यहां पर एक सतगुरु तक संदेश भेजने के लिए भारी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल एक आत्मिक संवाद। इसी आत्मिक संवाद के साथ एक शिष्य परमानंद की अनुभूति करता है। शिष्य की हर समस्या का समाधान इस मंच से बहुत बार अपने श्री मुख से ये बात कही, आप टेलीफोन के द्वारा नहीं अंदर से मेरे साथ जुड़े। गुरु प्रिय साधको, इसकी एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपके समक्ष रखते हैं। एक शिष्य हैं जिन्हें भजन लिखने और गाने का बहुत शौक है। वो बताते हैं कि उनके घर में सप्ताह में एक बार सामूहिक साधना होती है, आसपास की संगत वहां इकट्ठी होती और साधना करती। साधना के पश्चात वह प्रेमी गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठकर भजन गाता और सारी संगत उसका आनंद लेती। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीनों बाद जब वह प्रेमी गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए नूर महल गया, महाराज जी के संगत में बैठकर वो दर्शनों का आनंद ले रहा है और गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न है। वह प्रेमी खड़ा होकर हाथ जोड़ के कहता है कि गुरुदेव मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूं। गुरु महाराज जी उसे आज्ञा दे देते हैं। वह प्रेमी भजन गाना शुरू कर देता है। जिसमें उसने भजन पूर्ण किया, गुरु महाराज जी कहते हैं, ये तो भजन हमने सुना हुआ है, कोई और सुनाओ। वह प्रेमी दूसरा भजन गाना शुरू कर देता है। दूसरा भजन अभी आधा ही गाया, गुरु महाराज जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ये भी भजन हमने सुना हुआ है, ये तो पुराना है, कोई और सुनाओ। वह प्रेमी तीसरा भजन गाना शुरू कर देता है। उसकी अभी केवल मात्र एक स्थाई और अंतरा ही गाया, गुरु महाराज जी फिर कहते हैं,
ये भी हमने सुना हुआ है, कोई नया नहीं है क्या? वह प्रेमी हाथ जोड़ के कहता है कि गुरुदेव, ये भजन मैंने ही लिखे हैं और आज पहली बार आपके चरणों में गा रहा हूं, ये पुराने कैसे हो गए? तो गुरु महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, जो अपने घर में सामूहिक साधना के बाद मेरे स्वरूप के आगे बैठकर भजन गाता है, वो भी तो हम ही सुनते हैं। गुरु प्रिय साधकों, यहां पर होता है एक आत्मिक संवाद। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, यदि सच्चे भावों से अपने गुरु को याद करते हैं, आपकी हर बात उनके चरणों में बाखूबी पहुंच जाती है, क्योंकि सतगुरु रूपी सत्ता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ और अंतर्यामी होती है। किसी भक्त ने बहुत अच्छा कहा, तुमसे भला क्या शिप पाएगा, तुम तो अंतर्यामी हो, बिन मांगे सब देने वाले तुम प्रभु महादानी हो, अपनापन तेरे जैसा और कहीं नहीं मिल सकता है, तेरे निश्चल प्रेम को पाकर जीने का ढंग आता है। 2012 के दिव्य शांति महा उत्सव के विशाल और पावन मंच के ऊपर विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी ने हमें ये वचन कहे थे कि हम सदैव विचारों से, भावों से, आत्मा से आपके साथ हैं। ये गुरुदेव की बात शत प्रतिशत सत्य है। जो हमारे इतने करीब होगा वही तो हमारे दिल के हर भाव को जान पाएगा। सबसे बड़ी बात, एक बार गुरु महाराज जी को किसी साधक ने प्रश्न किया, गुरु महाराज जी, बहुत बार हमारा दिल करता है कि हम आपसे बात करें, परंतु मैं विदेश में रहता हूं, ऐसा संभव नहीं है कि मैं आपसे बात कर पाऊं, फिर आपके स्वरूप के साथ ही बातें कर लेता हूं या अपने भाव प्रार्थना के रूप में आपके चरणों में अर्पित कर देता हूं। गुरुदेव, क्या हमारे भाव, क्या हमारी प्रार्थनाएं आपके चरणों तक पहुंचती है, आप उसे सुनते हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है, चीटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। यदि एक चीटी के पांव में घुंघरू बांध दिए जाएं, उसकी आवाज भी साहिब के कानों तक पहुंचती है, फिर आप तो ब्रह्म ज्ञानी साधक हैं, आपकी प्रार्थना कैसे अनसुनी हो सकती है? सबसे बड़ी बात, यदि हमारा हृदय भाव युक्त है तो हम दूर होते हुए भी अपने गुरु के पास हैं, यदि हमारा हृदय भावहीन है तो हम पास होते हुए भी अपने गुरु से बहुत दूर हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, मायूस मत हो, यदि आप सच्चे भावों से मुझे याद करेंगे तो अपने गुरु को सदैव अपने अंग संग पाएंगे। ये होता है एक सच्चा भाव गुरु के चरणों में। एक बार नूर महल में गुरु पूर्णिमा का बहुत विशाल कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें लाखों भक्त उपस्थित थे। गुरु महाराज जी के समाधि में होने के कारण गुरु महाराज जी का सुंदर स्वरूप मंच के ऊपर विराजमान था और गुरु महाराज जी के समर्पित शिष्य, साध्वी बहनें और महात्मा जन पूजन और आरती कर रहे थे। संगत में एक वृद्ध माता खड़ी ये दृश्य देख रही है और उनके मन में ये विचार आ जाता है कि महाराज जी, ये आपके समर्पित शिष्य, गुरु भाई, गुरु बहने आपका विधिवत पूजन और आरती कर रहे हैं, हम जैसे गृहस्थी शिष्यों का ऐसा सौभाग्य कहां कि युग दृष्टा सतगुरु का पूजन व आरती कर सके। माता जी के मन में विचार आया और चले गया। आरती के बाद सारी संगत को कुछ समय के लिए ध्यान में बिठाया गया। जब सारी संगत ध्यान में बैठी, वह वृद्ध माता भी ध्यान में बैठी है और अपने घट में गुरु महाराज जी के दर्शन करती है। गुरु महाराज जी उसे प्रकट होकर कहते हैं कि तू मेरी आरती करना चाहती है ना, ये ले आरती का थाल
और कर ले मेरी आरती। वह माता जी खुशी से उस आरती के थाल को पकड़ते हैं और गुरु महाराज जी की पावन आरती अपने भावों से करते हैं। आरती के बाद गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज जी आरती के पश्चात उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, सुन, अपने पति को कहना कि मेरे मस्तिष्क के ऊपर तिलक छोटा लगाया करे। गुरुप्रिय साधकों, वास्तविकता ये थी कि उस माता का पति हर रोज काम पर जाने से पहले जो घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप था उसके ऊपर बहुत बड़ा तिलक किया करता था। गुरुप्रिय साधकों, जिस समय एक साधक का गुरु चरणों के साथ नाता आत्मा से जुड़ जाता है तो आपके भावों को गुरु चरणों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। वहां पर होता है एक भावों का गुरु और शिष्य का मिलन। कुछ प्रेमी ये बात कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बार बार प्रार्थना करने पर भी गुरु चरणों तक हमारे भाव नहीं पहुंचते हैं। या यूं कहिए कि जब हम किसी समस्या में होते हैं तो गुरु महाराज जी के आगे बार बार प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज जी कोई समाधान ही नहीं देते हैं, गुरु महाराज जी कठोर हो जाते हैं। सबसे पहली बात, गुरु चरणों तक हमारे भाव क्यों नहीं पहुंचते हैं? आए एक अनुभव के द्वारा समझते हैं। एक गुरु महाराज जी की प्रेमी शिष्य गुरु बहन, उनके घर में बहुत समस्या चल रही थी, वो बहुत परेशान गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे हर रोज प्रार्थना करती, गुरु महाराज जी मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरे घर में बहुत परेशानी है, आप कृपा करें मेरी इस समस्या को दूर कर दीजिए। कई दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए परंतु उसकी समस्या वैसे की वैसी ही है। एक दिन वह गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे खड़ी है और हाथ जोड़कर कह रही है कि गुरु महाराज जी मेरे घर में इतनी समस्या है, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी दुखी हूँ, हर रोज आपके आगे प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना सुन क्यों नहीं रहे हैं? मैं इतनी परेशान हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हो? मैं हर रोज रोती हूँ, आप सुनकर भी अनजान क्यों बने हो? जो उसके मन में गिला शिकवा था गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे नाराजगी भरे भावों में कह दिया। उसके बाद दुखी मन से वो जितनी की देर साधना होती है करती है, उसके बाद सो जाती है। गुरु महाराज जी रात को उसके दिव्य स्वप्न में प्रकट होते हैं और कहते हैं, तू इसी बात से परेशान है ना कि मैं तेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहा, मैं तेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, तू यही जानना चाहती है ना, तो चल मेरे साथ। गुरु महाराज जी उसे वहां ले जाते हैं जहां उसके घर में उसने गुरु महाराज जी का स्वरूप विराजमान किया हुआ था। गुरु महाराज जी वहां जाकर स्वरूप की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देख तूने मुझे कहां बिठा रखा है, सबसे पीछे, क्योंकि उस बहन ने गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे बहुत फोटोएं रखी हुई थी जिन्हें वह पहले मानती थी। गुरु महाराज जी कहते कि जब तू परेशान होती है, दुखी होती है, कभी किसी के आगे प्रार्थना करती है, कभी किसी के आगे प्रार्थना करती है, जो तुझे कहता है वहां माथा टेकया तो वहां माथा टेकने चले जाती है, जो तुझे कहता है तू वहां ये वस्तु चढ़ाया तो वहां वस्तु चढ़ाने चले जाती है, मेरी याद तो तुझे सबसे बाद में आती है, और जब तू मेरे आगे प्रार्थना करती है, रोती है, फिर भी तेरा मन मुझ में नहीं ठहरता है, फिर भी इधर उधर भटकता रहता है। गुरु महाराज जी कहते मैं तो तेरी समस्या का हल करने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन तू मुझ पे एक निष्ठ विश्वास तो कर, आज तक तूने मुझ पर एक निष्ठ विश्वास किया ही कहां है। जब गुरु महाराज जी ने ये बात कही तो उस बहन का सर झुक जाता है। गुरु महाराज जी कहते याद रखना
हर समस्या का समाधान गुरु चरणों के ऊपर एक निष्ठ विश्वास रख के की गई प्रार्थना में है। चिंता मत कर, नियमित गुरु का चिंतन किया कर और गुरु चरणों में पूर्ण विश्वास रख के प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वह बहन आश्रम में आती है, साध्वी बहन जी को सारी घटना सुनाती है और कहती है कि दीदी, सच में मैंने ज्ञान तो लिया है परंतु आज तक गुरु महाराज जी के ऊपर मैं एक निष्ठ विश्वास नहीं कर पाई। जब भी मेरे घर में समस्या होती तो इंसान चाहता है कि उसका समाधान उसको उसी समय मिले। मेरी एक फ्रेंड है जो कि ज्योतिषाचार्य है, मैं उन्हें फोन करती कि मेरे घर में ये समस्या है, परेशानी है, मुझे इसका हल बताओ, और वह मुझे कहती तू यहां माथा टेक आ, मैं वहां माथा टेकने चले जाती। वो मुझे कहती यहां तू वस्तु चढ़ा दे, मैं वहां वस्तु चढ़ाने चले जाती। कभी मैं इधर जाती, कभी मैं उधर जाती, सच में सबसे एंड में मुझे महाराज जी की याद आती। फिर भी मेरा मन महाराज जी के ऊपर नहीं ठहरता, इधर उधर भटकता रहता। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि यदि मैंने गुरु महाराज जी के चरणों के ऊपर एक निष्ठ विश्वास किया होता तो आज इन समस्याओं में मैं भटकती ना। सच में गुरु चरणों के ऊपर पूर्ण विश्वास ही हर समस्या का समाधान है। गुरु प्रिय साधकों, अब यहां पर हमने रुकना है और स्वयं चिंतन करना है। ज्ञान आज हम सब ने भी लिया है, हम भी सत्संग सुनते हैं, जितनी साधना होती है करते हैं, परंतु क्या जब हमारे घर में कोई समस्या होती है, हम किसी परेशानी में होते हैं, तो क्या केवल मात्र हमारी प्रार्थना का केंद्र हमारे गुरुदेव के चरण होते हैं, हमारे गुरुदेव होते हैं, कि या हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, हम भी कहीं इधर उधर माथा टेकते रहते हैं, कहीं हमारी प्रार्थना बटी तो नहीं हुई? यदि ऐसा है तो हम सबको समझना होगा कि आज हमने ज्ञान तो लिया है, गुरु को धारण तो किया है, परंतु अभी गुरु और ज्ञान को समझा नहीं है। एक साधक के लिए यदि उसके घर में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, दुख है, गमी है, तो केवल मात्र उसकी प्रार्थना का केंद्र उसके गुरु चरण और गुरु होने चाहिए। यदि हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तो केवल चिंतन हमारे गुरुदेव होने चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई सुख है, कोई उपलब्धि है, तो शुक्राना भी केवल हमारे गुरुदेव ही होने चाहिए। सत्संग प्रेमियों, एक बात को याद रखना, यदि हमारा विश्वास विक्षिप्त है तो इसी विक्षिप्त मन में विषयों का वास हो जाता है और हमारे भीतर में संदेह उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, और एक दिन वही विक्षिप्त हमारा विश्वास हमें गुरु चरणों से दूर कर देता है। यदि हमारा गुरु चरणों के ऊपर विश्वास पूर्ण है तो हमारे आराध्य उसी विश्वास को एक दिन विश्व के लिए उदाहरण बना देते हैं। दूसरी बात, गुरुदेव कठोर क्यों हो जाते हैं, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अमेरिका के एक जाने माने राइटर और प्रवक्ता हुए हैं हैरोल्ड विल्के, उन्हें एक टीवी शो में पूछा गया, आप इतनी आसानी से जैसे कि चश्मा लगाना, खाना खाना, किताब को लिखना और अपनी ऑटोग्राफ देना, ये सब कार्य इतनी आसानी से अपने पांव के साथ कैसे कर लेते हैं, ये कला आपने कहां से सीखी? तो विल्के उस एंकर को बताते हैं कि जिस समय मैं बचपन में 2-3 साल का था, बचपन से ही मेरी दोनों बाजुएं नहीं है और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए अपनी टी शर्ट को उतारना चाहता था, परंतु मेरी बाजुएं ना होने के कारण मैं गर्मी से बहुत तड़फ रहा था, रो रहा था,
अपनी माँ की और बार बार ये रोकर बताने का प्रयास कर रहा था कि मेरी टी शर्ट उतारने में मेरी सहायता करो, परंतु मेरी माँ ये सारा दृश्य देख रही थी, मेरी टी शर्ट उतारने में मेरी कोई सहायता नहीं कर रही थी और मैं गर्मी से तड़फ रहा था। ये सारा दृश्य पास खड़ी मेरी एक पड़ोसन देख रही थी। वो मेरी माँ को आकर हिलाती है और कहती है, तू कैसी निष्ठुर माँ है, तेरा नन्ना सा बालक कैसे गर्मी से तड़फ रहा है, रो रहा है, अपनी टी शर्ट उतारना चाहता है, तू उसकी जाकर सहायता क्यों नहीं कर देती। तो मेरी माँ कहती है, आई एम हेल्पिंग हिम बाय नॉट हेल्पिंग हिम, मैं उसकी सहायता ना करके भी उसकी सहायता कर रही हूं। विल्के कहते हैं कि यदि आज मैं उस घटना को याद करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ की बायुओं का रोम रोम कैसे उस समय मेरी सहायता के लिए तड़फ रहा था। यदि वो उस समय मेरी सहायता कर देती तो आज जिस कामयाबी के मुकाम पर मैं हूं यहां पर कभी ना पहुंचता। उस समय मेरी मां ने मेरी सहायता ना करके भी मेरी सहायता की। सत्संग प्रेमियों, कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, हम गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना करते हैं। यदि हमारी उस समय प्रार्थना नहीं सुनी जाती या गुरु महाराज जी हमारी बात को नहीं मानते तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी कठोर हो गए हों। यदि कई बार ऐसा होता है वो भी हमारे कल्याण के लिए ही होता है। एक बार परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को एक समर्पित शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज जी, कई बार हम परेशानी में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, हमारा मन करता है कि आप हमें पास बुलाएं, हम आपको अपनी समस्या बताएं, आप हमें सांत्वना देंगे, कोई हल देंगे, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। परंतु गुरु महाराज जी उस समय ना तो आप अपने पास बुलाते हैं ना हमारी बात सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे आप कठोर हो गए हों। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो उस समय आपकी दुख और परेशानी के कारण कर्म होते हैं वो कटने ही ऐसे होते हैं। यदि उस समय हम आपको पास बुला लें, आपकी बात सुन के आपको कोई सांत्वना दे दें तो आपका वह कर्म वहीं पर ही रुक जाएगा और आपको आगे जाकर कई जन्मों तक पीड़ा देगा। उस समय हम थोड़े से आपके प्रति कठोर होकर जिससे आप थोड़ी सी पीड़ा महसूस करते हैं, उस थोड़ी सी पीड़ा के कारण हम आपके जन्मों जन्मों के दुखों की पीड़ा को खत्म कर देते हैं। गुरु महाराज जी तो सदैव हमारा भला ही करते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी पीड़ा ना सहन करके अपने गुरुदेव के ऊपर गिले शिकवे करते हैं, परंतु हमारे गुरुदेव की हर अदा, चाहे वो खुशी हो चाहे वो डांट हो, हमारे कल्याण के लिए ही होती है। अब हम ऐसा जीवन में क्या करें जिससे हमारी हर बात गुरु चरणों तक पहुंच पाए और गुरुदेव हमारी बात को सुन सके। एक बार परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा, आपके पास वो ब्रह्म ज्ञान है जिसके द्वारा आप पूरी कायनात को संचालित कर सकते हैं, बेशर्त आपका अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास हो। यदि एक साधारण व्यक्ति अपनी बात परमात्मा तक पहुंचा सकता है तो एक शिष्य अपनी बात गुरु चरणों तक क्यों नहीं पहुंचा सकता। जब एक साधक पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु को कोई बात कहता है, कोई प्रार्थना करता है, तो गुरुदेव उन्हें अवश्य पूर्ण करते हैं। इसकी एक उदाहरण आती है गुरु तेग बहादुर साहब के समय की। उनके एक शिष्य हुए हैं भाई फग्गू जी। उन्हें यह विश्वास था कि एक दिन गुरु तेग बहादुर साहब उनके घर में अवश्य आएंगे।
और इसी विश्वास के साथ वो तैयारियों में लग जाता है। अपने घर में एक मिस्त्री को बुलाता है और कहता है कि मेरे घर का दरवाजा इतना बड़ा बना दो कि जिसके भीतर से हाथी घोड़े सब निकल सकें। मिस्त्री आगे से कहता है, भाई फग्गू जी, घर का भला इतना बड़ा दरवाजा क्यों? इसमें से कौन सा हिंदुस्तान के बादशाह ने अपना लामो लश्कर लेकर जाना है? तो भाई फग्गू जी आगे से कहते हैं, यहां पर हिंदुस्तान के बादशाह का क्या काम मेरे घर में? मेरे घर में तो मेरे गुरुदेव जो पूरी कायनात के बादशाह है उन्होंने आना है। तो मिस्त्री आगे से कहता है, दरवाजा छोटा देखकर कौन से आपके गुरुदेव वापिस चले जाएंगे? भाई फग्गू उनके कंधों को पकड़ता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि छोटा दरवाजा देखकर मेरे गुरुदेव वापिस चले जाएंगे। मेरी एक भावना है कि मेरे गुरुदेव जब हाथी के ऊपर विराजमान होकर मेरे घर में आएंगे तो उन्हें पावन शीश झुकाकर मेरे घर में ना आना पड़े, इसलिए जैसे मैं कहता हूं तू उतना बड़ा दरवाजा बना दे। उस मिस्त्री के तर्क भाई फग्गू के विश्वास के आगे छोटे हो जाते हैं और दरवाजे का निर्माण करना शुरू कर देता है। भाई फग्गू जी प्रेमियों को साथ लेकर गांव के और गुरुदेव के आगमन की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ दिन व्यतीत हुए, एक प्रेमी आकर कहता है कि भाई फग्गू जी, मैंने सुना है कि गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन बिहार की धरती पर हो गया है। ये बात सुनकर भाई फग्गू के अरमान और जवां हो उठे और उसी समय खुशी खुशी गांव के प्रेमियों को लेकर गांव को पूरी दुल्हन की तरह सजाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद एक प्रेमी और आता है, भाई फग्गू जी, हमें पता चला है कि गुरुदेव पूरी संगत के साथ अपने गांव की दहलीज पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में आपके घर में पहुंच रहे हैं। भाई फग्गू की ये बात सुनकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, उसी समय प्रेमियों को साथ लेकर अपने घर के द्वार के ऊपर खड़े हो जाता है। किसी प्रेमी के हाथ में घी का दीपक है, किसी के हाथ में गुलाब के पुष्प हैं, किसी के हाथ में हार है, सब खड़े हैं अपने गुरुदेव के स्वागत के लिए। कुछ ही पलों के बाद गुरु तेग बहादुर साहब अपनी संगत को साथ लेकर उस गली में प्रवेश कर जाते हैं जो भाई फग्गू की घर की ओर आ रही है। भाई फग्गू ने जिस समय सामने देखा तो उसकी हैरानी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सच में गुरु तेग बहादुर साहब एक हाथी के ऊपर विराजमान थे और ऊपर छत्र झूल रहा था। कुछ संगत पैदल थी, किसी के हाथ में ढोलक है, किसी के हाथ में चिमटा है, किसी के हाथ में मजीरा है, किसी के हाथ में खड़ताल है और गुरु महिमा में भजन गाते हुए कीर्तन करते हुए साथ आ रहे हैं। और कुछ जो साधक हैं, कुछ प्रेमी हैं, संगत के रूप में घोड़ों के ऊपर आ रही है। और जिस समय गुरु तेग बहादुर साहब भाई फग्गू के द्वार के पास आकर खड़े होते हैं तो कुछ समय के लिए दरवाजे की ओर टिकटिकी लगाकर देखते हैं, फिर भाई फग्गू की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और मन ही मन कहते हैं कि भाई फग्गू, धन्य है तेरा विश्वास, धन्य है तेरा हमें निमंत्रण देने का ढंग। देखो, आज तेरा निमंत्रण स्वीकार करके हम तेरे पास आ गए हैं। हम तो चाहते हैं कि आप जैसे और भी हमारे फग्गू भक्त हों, जो अपने बाहरी घर के द्वार के साथ साथ हमारे आगमन के लिए अपने दिल के द्वार भी हमेशा खुले रखें। यदि ऐसा हो तो पंजाब से बिहार तो क्या, इस लोक से उस लोक की दूरी तय करके भी हम उनके पास पहुंच जाएंगे। भाई फग्गू, चलो हम अब आपके बाहरी घर के साथ साथ आपके भीतरी घर में भी प्रवेश करते हैं। सारी संगत उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और गुरु तेग बहादुर साहब संगत के साथ उनके घर में प्रवेश करते हैं। भाई फग्गू जी सबको भोजन करवाते हैं और उसके पश्चात श्री गुरु तेग बहादुर साहब सत्संग प्रवचन और भजन संकीर्तन करते हैं।
जितने भी जिज्ञासु भक्त है सभी की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। ये सिलसिला 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। 3 दिन बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब भाई फग्गू को कहते हैं कि भाई फग्गू अब हमें जाने की इजाज़त दो। भाई फग्गू हाथ जोड़कर रो पड़ता है, कहता है कि गुरुदेव कुछ दिन और नहीं आप रुक सकते। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि भाई फग्गू नहीं, अब हमें आगे जाना ही होगा क्योंकि हमारे और भी भक्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम बाहरी तौर पर ही आपके घर से जा रहे हैं लेकिन हम आपके घट में तो सदैव रहेंगे। भाई फग्गू हमारे जाने के बाद आप अपने घर के द्वार सदा के लिए बंद कर लेना ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके और हम बाहर ना जा सके। इतना कहकर गुरु तेग बहादुर साहब भाई फग्गू को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। गुरु प्रिय साधकों, भाई फग्गू जी ने तो आध्यात्मिक टेलीपैथी के द्वारा अपने हृदय से ऐसी तरंग छेड़ी कि गुरु तेग बहादुर साहब खींचे चले आए। आप देखिए कि गुरुदेव के आगमन का कैसा दिव्य दृश्य होगा। कौन शिष्य ऐसे आगमन का साक्षी नहीं बनना चाहेगा? कौन शिष्य गुरुदेव की अमृत वय रूपी वचनों की वर्षा में स्नान नहीं करना चाहेगा? लेकिन ऐसा कब संभव हो पाया जिस समय भाई फग्गू ने किसी की परवाह नहीं की। बहुत लोगों ने उनके विश्वास को खंडित करने का प्रयास किया कि भाई फग्गू आप कहते हैं कि गुरुदेव आपके घर में आएंगे, क्या कोई गुरु घर से चिट्ठी पत्र आया है या किसी व्यक्ति के द्वारा संदेश आया है कि जो गुरुदेव आपके घर में आएंगे? भाई फग्गू हर व्यक्ति के विचार को सुनता लेकिन अपने विश्वास के साथ गुरु चरणों में अर्पित कर देता और उनका पूर्ण विश्वास ही एक दिन गुरु तेग बहादुर साहब को उनके घर में ले आता है। सत्संग प्रेमियों, हमें भी वही ब्रह्म ज्ञान मिला है। आवश्यकता है उस ब्रह्म ज्ञान के साथ हम ऐसा चिंतन बनाएं कि हमारा हर श्वास गुरु के सिमरण में रंग जाए, हमारा हर स्पंदन गुरु के चरणों के साथ जुड़ जाए। हर प्रेमी भक्त के हृदय से ऐसी प्रार्थना उठे, ऐसे भाव उठें कि एक दिन हमारे गुरुदेव भी हमारी उस प्रार्थना को और हमारे भावों को स्वीकार करते हुए हमारे बाहरी घट के साथ साथ हमारे हृदय रूपी घट में भी प्रकट हो जाएं और हम अपने गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। गुरुप्रिय साधको, आए सब मिलकर गुरु चरणों में यही प्रार्थना करें, कर्मशील सेवक बन जाएं, सतत विश्वास का दीप जलाएं, आपकी कृपा से गुरु प्रिय बन जाएं, निज शिष्यत्व सफल कर पाएं, आपकी कृपा से गुरु प्रिय बन जाएं, निज शिष्यत्व सफल कर पाएं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री आशुतोष भगवान की जय।